लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सूचियां जारी कर कुछ जगह पर प्रत्याशी घोषित भी कर दिए। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर लोकसभा सीट पर पहली बार अफसर वर्सेस अफसर का मुकाबला तय हो चुका है। भाजपा की तरफ से मन्ना लाल जी रावत, जो परिवहन विभाग में एडिशनल आयुक्त के पद पर थे, और इधर IAS तारा चंद जी मीणा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, हमारे साथ में है मन्ना लाल जी रावत, जिनसे आज बात करेंगे चुनावी चर्चा। भाई साहब, पहली बार उदयपुर में अफसर वर्सेस अफसर हो रहा है, कलेक्टर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उनके नेतृत्व में किसी जिले में कभी काम किया होगा, और अब आमने सामने राजनीतिक रूप से फाइट हो रही है, किस तरह से देखते हैं इसे? मुझे लगता है हम कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं और कार्य करते रहे हैं, और समाज के विभिन्न विषय हैं, सामाजिक विषय हैं, शासन में कैसे उन समस्याओं का समाधान हो सकता है, उस क्रम में काम किया है। तो कभी वो जो आजीविका के लिए नौकरी करते हैं वो भाव कभी हमारे स्वभाव में नहीं आया, ना हमने हमारे अपने संगठनों से सीखा है, ना ही समाज और क्षेत्र की ऐसी कोई बात है। मुझे लगता है कि जब इस रूप में काम करते आए तो क्षेत्र के बहुत सारे विषय हैं वो जानकारी में आए हैं, उन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये बात है कि सामने जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो बड़े अधिकारी हैं और वो 2 साल लालसोट के हैं, पाली के हैं, ऐसी भी चर्चाएं, वो उनका अपना विषय है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम क्षेत्र की सारी बातों को आगे बढ़ाएंगे, सारे विषय जानकारी में उनको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक चर्चा ये चल रही है कि आपने पॉलिटिकल ग्राउंड जो है अपना 2003 से ही पूरी तरह से अपनी पिच तैयार कर दी थी, तो क्या ये सही है कि 2003 से आप लगे हुए थे, बतौर अधिकारी भी काम कर रहे थे और भाजपा से भी जुड़े हुए थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि सामाजिक क्षेत्र के जो विषय हैं उन पर हम संवाद कर रहे थे, शासन के स्तर पर ले जाकर के इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसके लिए हम संवाद भी कर रहे थे। और ऐसे क्रम में जब आप शासन के बड़े उनके साथ संवाद करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में आता है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी संवाद होता है, और एकदम सामंजस्य के साथ कुछ उसकी फाइल बनाना, कागज़ बनाना, विषयों को कहाँ उठाना, इसको भी लोकनीति में कैसे आगे बढ़ाते हैं, इस विषय को लेकर काम किया था। हाँ, जब सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो इस तरह की चर्चाएं आप जो कह रहे हैं ऐसी हो सकती है, लेकिन राजनीति के लिए या पिच तैयार करने के लिए जो है, मुझे नहीं लगता कि ये विषय था। विषय चिंता का था, चिंता इस बात पर कि कोई समस्या है, शासन में आए और जल्दी से तैयार हो और उसका समाधान प्रस्तुत हो, और उसका लंबा एक असर पड़ता है। ऐसा भी ध्यान में आता है केंद्र की कुछ योजनाएं, राज्य की योजनाएं, और कोई गाइडलाइंस में कोई एक बिंदु होता है उसकी वजह से वो अटकी रहती है। कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के भी मुद्दे आए कि आरक्षण दक्षिण राजस्थान को कैसे मिले, 2006 में एक छोटा सा आंदोलन के रूप में काम किया, आगे बढ़े तो प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए काम किया, सर्व समाज के जो शिक्षकगण जो ठेठ देहात में जनजाति जो प्रतिभाएं उनको आगे लाते हैं तो उनको जोड़ने का काम किया। मुझे लगता है ये सारा का सारा एक मूवमेंट है और एक शांत मूवमेंट है, और ये समाज का ही चिंतन है और समाज की सृजन शक्ति है, उसको जोड़कर काम करते हैं तो एक आनंद का विषय है, इसको कहीं राजनीति से सीधे जोड़ना ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप वनवासी कल्याण परिषद से भी जुड़े हुए थे, जो सीधा तौर पर RSS का भी कहा जाता है, भाजपा से जुड़ा भी कहा जाता है। देखिए कि जब सृजन शक्ति जुड़ती है समाज की तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि जो कल्याण आश्रम का काम है वो निश्चित रूप से जनजातियों के हितों को लेकर बहुत व्यापक सोच रखने वाला एक राष्ट्रवादी संगठन है। और आप ये भी देखेंगे कि समाज की जो आस्था है, धर्म संस्कृति परंपरा है, उसको बनाए रखते हुए कैसे विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए लाखों की संख्या में आयाम और उसमें जो प्रकल्प हैं वो चल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। तो समझ में आया कि जनजातियों के विषयों को उठाने वाला यदि कोई महत्वपूर्ण संगठन है तो कल्याण आश्रम है। तो उस क्रम में कई जो मार्गदर्शक हैं, कई साथी हैं, कई कार्यकर्ता हैं सामाजिक क्षेत्र में काम करने, उनका मार्गदर्शन मिला, उनके साथ जुड़े, और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी सीखना भी मिला और कई काम करने का अवसर भी मिला। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो उठता है यूथ में, आदिवासी क्षेत्र के, एक भील प्रदेश की बात आती है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों को जोड़ते हुए एक भील प्रदेश, कई बार नक्शा भी बताया जाता है कुछ युवाओं, आदिवासी युवाओं तरफ से सोशल मीडिया पर, तो आप क्या सोचते हैं, ऐसा भील प्रदेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या मांग किस तरह से है ये? आप देखिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक ही संकल्प है, और संकल्प है विकसित भारत 2047, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये एक क्रम है और ये एक अभियान है। इस रूप में आप देखते हैं तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है।
और विकास का आशय यह है कि विकसित भारत में सभी समस्याओं का निराकरण हो, तो ये महत्वपूर्ण विषय है। तो जनजाति क्षेत्र में यदि आप देखते हैं तो इस विकास के मुद्दे को लेकर नई योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 9 सालों में आई हैं, जिसमें वन बंधु योजना है, पीएम जनमन योजना है और वन धन योजना है, और इसके साथ ही साथ जो सर्व समाज क्षेत्र का हम सभी के लिए घर घर नल योजना का भी हम सभी को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, और जो संवैधानिक समस्या है उनका भी निराकरण किया है। यहाँ तक देखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव का कालखंड जब आया तो उन नायकों की भी बात हुई जिनका कभी उल्लेख नहीं हुआ था, वो उनको उनको एक तरह से पीछे धकेल दिया गया था, वो उनका भी एक उल्लेख हुआ है। और भगवान बिरसा मुंडा जी अपने आप में जनजातियों के आइकन के रूप में हैं, उन्होंने स्वधर्म के लिए अपना एक जो स्वर उठाया था, स्वराज के लिए जो स्वर उठाया था, वो औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ था, तो उनकी जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में अखिल भारत मना रहा है। एक प्रतीक मात्र है भगवान बिरसा मुंडा जी, लेकिन उस प्रतीक के माध्यम से सभी नायकों को याद किया जा रहा है, शहादत के सभी स्थलों को याद किया जा रहा है, राष्ट्रीय संग्रहालयों की स्थापना की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये विकास ही सबसे महत्वपूर्ण है, और जनजातियों का जो स्वर है, जनजातियों की जो आवाज़ है, क्षेत्र की आवाज़ है, वो सर्व समाज की आवाज़ का ही एक अभिन्न अंग है, इस बात को आगे बढ़ाना। तो मुझे लगता है कि ये जोड़ने वाला विचार है, विकास जोड़ने वाला विचार है, तो ऐसे में कोई पृथकतावादी विचार, कोई अलग करने वाला विचार, मुझे लगता है एक छोटी सोच जैसा लगता है, और ये एक तंत्र है जो कहीं से आया हुआ है, बाहरी जो कुछ तत्व हैं उनसे भी प्रेरित लगता है। अच्छा, बाहरी तत्व जैसे झारखंड और इधर कई बार नाम भी लिया जाता है। चलिए, 400 पार की जो बात सामने आ रही है वो उसको किस तरह से आप करेंगे, क्योंकि पहले बार आप राजनीति में उतरे हैं, भाजपा यहाँ पर क्या स्थिति रखती है, कांग्रेस क्या स्थिति रखती है, इसके बारे में बताइए। लेकिन अब की बार 400 पार का जो एक मिशन है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व, राजस्थान के नेतृत्व, यशस्वी मुख्यमंत्री जी और जो सारे निष्ठावान कार्यकर्ता मिलकर इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है ये अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है, एक नया इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप हम सब ये समझते हैं कि एक कार्यकर्ता भाव से जुड़ रहे हैं, और जो कार्यकर्ता ठेठ देहात में, ठेठ ग्रास रूट पर काम करता है, उनके साथ जुड़ के इस बात को आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि हम हर बूथ पर जा रहे हैं, हर बूथ पर लीड लेने की बात कर रहे हैं, हर बूथ पर 370 की लीड लें कम से कम, ये भी एक मिशन है। और जब ये मिशन होगा तो बाकी अब की बार 400 पार का नारा भी पूरा होगा, क्योंकि हम पूरे सिस्टम का, पूरी पार्टी का कार्यकर्ता भाव से जहाँ पर भी जो भूमिका है वो काम करते हैं, लेकिन पूरे राष्ट्र में ये वाइब्रेशन है, ये एक विचार है, और लगता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने दूसरा कोई टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो सार्थक लग रहा है। अच्छा, दूसरे की आपने बात की, मतलब तीसरी पार्टी अभी तक भाजपा कांग्रेस ही होती, वागड़ की बात करें तो भारत आदिवासी पार्टी हाल ही विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर 8.5 लाख वोट लेकर आई थी, 3 विधायक भी बने, उदयपुर से प्रत्याशी घोषित हो गया, बांसवाड़ा से राजकुमार जी रोहत प्रत्याशी है भारत आदिवासी, तो ये क्या आपको चुनौती लगती है? मुझे लगता है कि इस प्रश्न का सीधा जवाब तो कहीं एकाएक नज़र नहीं आता है, काल के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन आप 3-4 तथ्यों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और श्रोताओं को भी ये कहना चाहता हूँ। ये गुजरात में भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे और 16 जगह पे चुनाव लड़े थे, आपने परिणाम देखे होंगे, 13 जगह जो उनके परिणाम आए वो नोटा से भी कम है, एक तो ये सूचना बहुत सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्षणिक एक विचार आता है, आया भी होगा, और कहीं ना कहीं किसी भ्रामक विषयों को लेकर आगे बढ़े होंगे, लेकिन भ्रामक विषयों में हम 3 बातें आपको सामने इसमें शेयर करना चाहता हूँ। इनका मूल नारा है ना लोकसभा ना विधानसभा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, ना ये लोकसभा को मानते ना विधानसभा को मानते, फिर जिन संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानता उसमें चुनाव क्यों लड़ रहे हो? एक प्रश्न है, सहज सा प्रश्न है, जनता का प्रश्न है, जनता सब जगह से पूछ रही है। दूसरा इसमें यह भी है कि ये बताते हैं कि आदिवासियों के ऊपर जो है, युवाओं के ऊपर आईपीसी लागू नहीं होती। अरे आईपीसी लागू नहीं होती, काकरी डुमरी का जो इतना बड़ा कांड कर लिया, ये सारी चर्चा है, और ये सारे लोग बताते हैं कि करीब 7,500 युवाओं के ऊपर FIR हुई है, आईपीसी लगी है, तो आप भ्रामक बातें क्यों कर रहे हो? ये प्रश्न है, एक सहज सा प्रश्न है पूरे क्षेत्र और जनजाति समाज का। दूसरा ये कहते हैं कि हम आदिवासियों की राजनीति करते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये तो कैंची वाला काम हुआ, तोड़ने वाला काम हुआ, जातिगत बात करने वाला काम हुआ। लेकिन यदि आप करते हो तो आप जब कभी MLA थे और आपको पावर था कि राष्ट्रपति जी को आप चुनाव करेंगे, और एक आदिवासी की बेटी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए आगे लाए थे और उनको एक प्रत्याशी बना के राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़े थे, उस टाइम आप गोदड़ी ओढ़ के सो रहे थे 84 में,
जब तब आपको याद नहीं आया आदिवासी की राजनीति करनी है और आदिवासी की बात करनी है, खाली पार्टी के नाम में कहीं पर आगे पीछे शब्द रखने से काम नहीं चलता, ये समझना पड़ेगा। तो ये भ्रामक बात है, ये कहीं पर भी शुद्ध बात नहीं। और दूसरा जो इनका विधायक था वो जाके उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी बेटी जो आज की तारीख में और 75 साल बाद यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी ने एक अवसर दिया कि देश के प्रथम नागरिक के पद पर पहुंचे, उनको अवसर दिया था। दूसरा जो इनका MLA था उसने भी वोट नहीं दिया। तो आप वास्तव में बहुत भ्रामक बात करते हो और ये एक ही खाली एक एक नारा है, एक 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 एक्साइटमेंट है। मुझे लगता है कि इतना ही है ये, और इसका और कोई प्रत्युत्तर की आवश्यकता नहीं। अच्छा, जनजाति एरिया है, उदयपुर भी आरक्षित सीट है, बांसवाड़ा भी आरक्षित सीट है, आप लंबे टाइम से काम भी कर रहे हैं, क्या समस्या दिखती है? क्योंकि समस्याएं वही रहती है, विकास कहीं दिखता नहीं है, कई बार बातें सामने आती है आदिवासी क्षेत्रों में। क्या विजन है आपका उदयपुर आदिवासी क्षेत्र को लेकर? देखिए, एक ही संकल्प है, विकसित भारत 2047, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मिशन है, विजन है, और इसी पर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में हम जब देखते हैं तो क्षेत्र की सारी समस्याओं का निराकरण भी इसमें निकलता चला आता है। हाँ, स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर पैदा करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, हुनर के साथ कैसे विकास हो उसकी बात करना, संवैधानिक चिंतन के कुछ विषय उनकी भी बात है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के विषय हैं और पैसा एक्ट के विषय हैं। लेकिन क्षेत्र में जो औद्योगिक विकास है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का दिया बहुत कुछ है, पानी है, पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारा वनांचल है और वन आच्छादित क्षेत्र है। मुझे लगता है कि ये जो पर्यटन का बहुत बड़ा एक क्षेत्र आ सकता है जिसमें स्थानीय युवाओं को बहुत बड़ा रोजगार मिलने जैसा दिखता है, और मिनरल बेस्ड एरिया है तो लगता है कि मिनरल आधारित काफ़ी काम यहाँ हो सकते हैं। तो ये सारे विषयों के साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी विषय हैं वो भी आगे बढ़ते हैं तो उसमें नज़र आता है। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन शिक्षा के मामले में कुछ बड़ा सोचना ये नज़र आता है, तो ये विषय रहेंगे आगे के समय कालखंड। एक ये बात भी चर्चा में आ रही है, कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में पैराशूट उम्मीदवार और इस बार आप दोनों है, तो क्या सोचते हैं इसमें? हम कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं, समाज के विषयों को उठाते रहे हैं, समाज के सभी सारे संगठन यहाँ तक कि शासन के भी अंदर काम करने वाले हैं, उन सभी के साथ संवाद है और लगातार धरातल पर भी काम करते रहे। यहाँ तक कि हमने डीलिस्टिंग जैसा आंदोलन चलाकर हमने ये भी कहा है, एक अभियान को आगे बढ़ाया है कि जिन्होंने धर्म संस्कृति परंपरा छोड़ दी है और जिन्होंने कोई दूसरा मजहब रिलीजन अपना लिया है तो आप माइनॉरिटी हो गए, आप वहीं रहिए, सम्मान के साथ रहिए, लेकिन आदिवासी और जो संस्कृति है उसके आधार पर आपको ST का स्टेटस है उसको भी छोड़ना चाहिए। ये सारे विषय भी हमने आगे बढ़ाए और एक आंदोलन का रूप भी आगे बढ़ाया और विमर्श के विषय उनको भी बढ़ाया कि सत्य समाज के सामने आना चाहिए। तो इसी क्रम में हम जब लगातार जुड़े रहे तो हम तो कार्यकर्ता हैं, जब नौकरी करते थे तो आजीविका के एक साधन के रूप में करते थे, वो पद और प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हमारा अपना जो स्टैंड है वो तो ये है। हाँ, सामने वाले जो उम्मीदवार हैं वो बड़े हुक्म हो सकते हैं, वो IAS हो सकते हैं, वो जमींदार मीणा हो सकते हैं, दोसा के हो सकते हैं, ये प्रश्न समाज में चल रहा है। अंतिम, आपका एक राम, भगवान राम के ऊपर एक दोहा काफ़ी वायरल हुआ, दो शब्द उसके लिए। मुझे लगता है कि हमारे जो अंदर है वो बाहर है, हमारी आस्था जो है हमारे जीवन का आधार है और इसी को बनाए रखते हुए, इसी पर रहते हुए हम विकास के चरम को, हमारे जो परम वैभव है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। ये भारत का चिंतन है, तो भारत के चिंतन में सब तरफ देखें तो राममय वातावरण है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है श्री अयोध्या जी में 22 जनवरी को, जैसा कि आपने सुना होगा कि राम रीति से चलकर राष्ट्र नीति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो उसी में एक सहज भाव से पिताजी से सीखा, घर में सीखा, जो भजन मंडली करते थे उसमें सीखा, तो उसमें यही आते जाते राम राम करना है, तो आवे जड़ने राम राम, जावे जड़ने राम राम, रस्ता में मिल जो राम राम, गेला में मिल जो राम राम, सगड़ा भाया ने राम राम, सगड़ा भाया ने राम राम, एक सहज सा भाव है उसको गाते हैं। तो ये थे हमारे सामने साथ में मन्ना लाल जी, जो उदयपुर से भाजपा प्रत्याशी, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र के बारे में, भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके सामने जो भी चुनौतियां है इसके बारे में चर्चा की। ABP News से विपिन सोलंकी, उदयपुर।